सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में ड्रग्स एंगल सामने आने के बाद से ही नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो फुल ऑन एक्शन मोड पर है। एनसीबी ने शनिवार सुबह से ही बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए मुंबई और गोवा में बड़े पैमाने पर छापेमारी की। एनसीबी से जुड़े सूत्रों की माने तो बॉलीवुड में ड्रग कनेक्शन को लेकर इस रेड को अंजाम दिया गया। सूत्रों के हवाले से मिली जानकारी के मुताबिक एनसीबी की टीम ने इस मामले में अभी तक जिन जिन लोगों से पूछताछ की है सभी ने इस पूरे नेटवर्क की जानकारी एनसीबी के ऑफिशियल्स को दी। आपको बता दें, इस मामले में एनसीबी के सूत्रों ने पहले से ही इस बात की जानकारी दे दी थी कि अभी इस मामले में और भी बड़े चेहरे सामने आ सकते हैं। इस मामले में अभी कई और गिरफ्तारियां हो सकती हैं। साउथ मुंबई और पश्चिम मुंबई के इलाकों में एनसीबी की रेड चल रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रिया चक्रवर्ती ने एनसीबी को जिन 25 नामों की लिस्ट दी है वो कहीं ना कहीं नशे के इस पाताल लोक में शामिल है। खबरों के मुताबिक मुंबई और गोवा में जो रेड मारी गई वो गिरफ्तार ड्रग्स डीलर अनुज केशवानी की निशानदेही पर हुई है। इन सभी 6 लोकेशन में ज्यादातर रेड्स ड्रग पैडलर के ठिकानों पर ही हुई हैं। इस मामले में अभी तक 2 लोगों को हिरासत में ले लिया गया है। आपको जानकारी दे दें, अनुज केशवानी को रिया के ड्रग्स कनेक्शन की तफ्तीश के दौरान गिरफ्तार किया गया था। अनुज केशवानी ने पूछताछ में कई बड़े नामों का खुलासा किया था, जिसके बाद अब उनके द्वारा लिए गए नामों के ड्रग्स कनेक्शन को टटोला जा रहा है। आपको पता हो, अनुज की गिरफ्तारी केजान इब्राहिम की निशानदेही पर हुई थी। इस मामले में 23 साल के आरोपी अब्देल बासित परिहार और 21 साल के आरोपी जैद विलात्रा को एनसीबी की टीम ने शोविक चक्रवर्ती और सैमुअल मिरांडा को कई घंटों की पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया था। इन सभी लोगों पर ड्रग्स की खरीद फरोख्त का आरोप है। फिलहाल एनसीबी की टीम ने इन सभी को गिरफ्तार कर लिया है। इस मामले में आरोपी रिया चक्रवर्ती फिलहाल न्यायिक हिरासत में है। शुक्रवार को रिया की जमानत याचिका को कोर्ट ने खारिज कर दिया। आगे राहत मिलने तक रिया मुंबई की बायखला जेल में ही रहेंगी। हालांकि उन्हें 8 सितंबर को गिरफ्तार किया गया था, लेकिन बीते दिनों रिया द्वारा ड्रग्स मामले में कई हस्तियों के नाम लिए जाने के बाद एनसीबी एक्शन में आ गया है। एनसीबी ने रिया चक्रवर्ती के खुलासे के बाद कार्रवाई शुरू कर दी है। बहरहाल, आपकी इस पूरे मामले में क्या राय है कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं। साथ ही देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।